खुद के जागा लोगन जगावा और जगावा समाज के। ई लड़ाई माटी के है और अधिकार के। बहकावे लहजार मिली है नेता के चमचा गो। समैया रहते जागा नाता बादे पछताई बागो। समैया रहते जागा ना कि हरे राम हरे हरे और जय राम एक चर्चा भरे भरे। हरे राम हरे हरे जय राम महतो चर्चा घरे घरे। इस चर्चा को बरकरार रखना है और जहां चर्चा होता है पर्चा वहीं से बढ़ता है। तैयारी कीजिए 2000। आज बड़का गांव में विस्थापन को जो समस्या है, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी आने के बाद भी यहाँ के लोगों के लिए जो मेन समस्या विस्थापन को लेकर, आज यहाँ पे न हमारे क्षेत्रीय विधायक सांसद न स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पे बोलने के लिए तैयार है। आज विस्थापन कारण जो हमारे लोग बड़े बड़े गाँव में बड़े बड़े संख्या आबादी वाले गाँव आज कहाँ से कहाँ चले गए। आज उन लोगों को मिलने के लिए, उन लोगों को खोजने के लिए काफी समय लगता है। विस्थापन के दर्द कब तक झेलेंगे इस क्षेत्र के लोग? और विस्थापन के जो मुद्दा है वो बहुत बड़ी मुद्दा है। इस पे न राज्य सरकार न केंद्र सरकार न जिला प्रशासन इस पर संज्ञान ले रही है। ये बहुत ही दुख की बात है। और आज विस्थापन का जो दर्द है हमारे क्षेत्र में, आज बड़का प्रखंड में ऐसा हाल हो गया कि आने वाले समय में हर तरफ सिर्फ खाली मैंसी नजर आएगा, गांव उजाड़ा जा रहा है। जो यहाँ की मेन मुद्दा है उस पर एक कार्यक्रम रखा गया 25 फरवरी को बड़का हाई स्कूल मैदान में, उसमें मैं तमाम इस क्षेत्र के जनता से रिक्वेस्ट करते अपील करते कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और विस्थापन के बारे में समझे। विस्थापन का हक और अधिकार लेने के लिए आप जरूर दो चार वर्षों से अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे झारखंड में जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, और ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, मेरे माता पिताजी यहाँ हैं और गार्जियन है, पूरे लोकसभा की बहुत बड़ी दाग हमारे चतरा लोकसभा में है। हम आप सबों के बीच में एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, घर में आप सभी मंथन करेंगे कि इस चतरा लोकसभा में 14 लाख वोटर हैं, सभी पार्टियों को संगठन विस्तार करने के लिए युवा कार्यकर्ता हमारे मिल जाते हैं, हमारे मतदाता मिल जाते हैं। आप सोचे कि 14 लाख में कोई भी ऐसा पार्टी है आज तक कि हमारी माटी से एक भी लीडर को पैदा करने के लिए सोचा? आप ये बताइए, मेरी माताएं बहने सभी हमें पढ़े लिखे समझदार हैं और सभी परिवार से बिलोंग करते हैं। आप जब शादी विवाह अपना करते हैं बेटी को, तो ससुर को देख के देते हैं कि दामाद को देख के देते हैं? दामाद को देख के। तो भोटवा मोदी जी को देख के कह देते हैं आप लोग? आप बताइए, सुनील सिंह माननीय हमारे यहाँ है, ये चतरा लोकसभा में हमारे जनहित की मुद्दा के लिए उन्होंने कितना जीवन संघर्ष दिया यहाँ पर, इस बलिदान को आप कभी देखे? याद कीजिए, जो लीडर आपके लिए वही लीडर है, जो जिस क्षेत्र में जो संघर्ष करता है आपके लिए, आप वैसे लीडर को चुनेंगे तभी आपका क्षेत्र का विकास होगा। मैंने कई जगह भी सुना है, सुनील जी की बातों को भी देख सुना है, बोलते हैं कि आप तो मोदी जी के नाम पर हमको वोट दिए, हमसे क्या चाहते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसला देगा वही करेंगे। अब बताइए, हम प्रधानमंत्री आवास के लिए आपको वोट दिए थे, आपको उज्ज्वला गैस के लिए वोट दिए थे? अरे मेरे यहाँ जो खनिज संपदा है इसकी रक्षा कौन करेगा? पूरे झारखंड में ये चतरा लोकसभा ऐसा है जहां सबसे ज्यादा कोल माइनिंग है, और जिस जिस लोगों के जमीनी गई उन सारे लोगों को रोजगार वहां पर मिल गया। अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप लोग सुनेंगे बड़े बड़े उतरेंगे उन खटोला से लीडर लोग बोलेंगे कि यहाँ पर माइंस लगेगा, यहाँ पर उद्योग लगेंगे, तो यहाँ पर सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके बगल में थे ये अखाड़े, आप कभी जाकर देखिएगा कि जिन लोगों को जमीनी गई उन लोगों को नौकरी नहीं मिली, वो भी सारे लोगों को नहीं मिला है, आज भी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, और जिन लोग जो प्रभावित है वो सारे लोग आज किस बदतर स्थिति में जी रहे हैं, आप लोग कल्पना कीजिएगा कभी।
और ऐसा नहीं कि आपका चंदवा क्षेत्र जो है उसे अभी भी है, गाड़ी चल रही है कंपनियों के फलना फलना छड़ेगी और मर रहे हैं कौन उसको छिपा करके। अभी सरकार तो ऐसी सी कानून ला दी है कि आप रोड भी जाम नहीं कर सकते। क्या गलत बोल रहे हैं अपने अधिकार के लिए? ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी बदतर स्थिति हो गई है हमारे झारखंड में। पूरे झारखंड में 40% पूरे देश के विकास में माइनरल का हम लोग रॉयल्टी देते हैं, पूरे झारखंड पूरे इंडिया में। आप ये बताइए कि हमारे सांसद महोदय कभी ये उठाए कि महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं जो हमारा झारखंड है वो पूरे देश का 40% खनिज संपदा देता है, कम से कम 40 मिनट बात होनी चाहिए इस पर कि वहां के लोगों को जन कल्याण के काम कैसे होने चाहिए। ये प्रश्न आप पूछिएगा लोगों से। आप जिस तरह दामाद को देकर के वोट देते हैं, आप अपने बेटे मेरे माताएं बहने यहां बैठे हुए हैं जिसके कोख से बिरसा मुंडा पैदा होता है, जिसके कोख से सिद्धू कानू पैदा होते हैं, जिसके कोख से फूलो जानू पैदा होते हैं। क्या मेरे माताएं बहने में इतनी शक्ति खत्म हो गई है कि आज यहां पर एक सांसद पैदा नहीं कर सकते हैं? आप लोग कसम खा लीजिए, आपको पता दिया जाता है कि लोकसभा विधानसभा में सबसे ज्यादा किसी भी पार्टी की अगर जिताने के साथ होती है तो मेरी माताएं बहने की होती है। क्योंकि हमारे घर के अगर 5 पुरुष हैं उसमें 3 पुरुष बाहर रहते हैं काम करने के लिए इलेक्शन के समय में, लेकिन मेरी माँ कहाँ रहती है, मेरी बहने कहाँ रहती है? आप लोग उसको मत छोड़िए, आप घर में बताइए मेरी माताएं बहने आप 9 महीने अपने गर्भ में एक छोटे से बच्चे को पाले कितना दर्द होता होगा। हम भी किसी माँ के कोख से पैदा लिए और उसके बाद कितना बजे खाना है कितने बजे फिरना है एक सपना देखे कि मेरा बेटा आगे बढ़ करके और कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ करेगा। वो आप सोचिएगा, कभी कल्पना कीजिएगा इस बात को। और जब मैट्रिक का इंटर पढ़ करके जब बेरोजगार होगा आप सब क्या कहेंगे कि बेटा भी पढ़ लिखकर क्या हो गया, बेकार हो गया। लेकिन जब वो उलट कर पढ़ेगा कि 2024 में मेरे लिए एक नियोजन नीति के लिए एक शख्स आया था, स्थानीय नीति की बात करता था, रोजगार की बात करता था, नियोजन नीति की बात करता था, विस्थापन की बात करता था, उसमें बोलेगा 2024 में आप किसके तरफ थे, मेरे भविष्य के लिए आप क्यों नहीं सोचे। वो समय आ गया है। अब आप अपने घर में जाइएगा एक बार और छोटे छोटे बच्चे की आंख में आंख डाल के देखिएगा, उनकी सोच को आप देखिएगा और तब समझ में आएगा कि जिंदगी से क्या है। वक्ता बहुत है और टाइगर जयराम दा को की हाथों को मजबूत करेंगे तो चलिए हम अध्यक्ष महोदय को मैच सौंपते हुए उनको कहेंगे आदर पूर्वक कि आप अपनी बातों को रखिए और जो भी लोग बातों को रखना चाहते हैं अपने नाम को भी दीजिए कि हाँ आपको हम समझ पाए, अपनी बातों को, आपकी वाणियों को, आपकी भाषा शैली को और झारखंड के प्रति आपका क्या भाव है, क्या समर्पण है, क्या आप उलगुलान करना चाहते हैं, क्या आप झारखंडी संस्कृति सभ्यता के लिए एक बार बदलना चाहते हैं, तो आपसे भी हम सुनेंगे, इसलिए आप भी अपना राय देंगे। अध्यक्ष महोदय पप्पू कुमार यादव जी, काम करते जैसे हमने गए थे मैं ओकरे वैसे ना आदमी चुन के हमने वोट देना है ताकि हमने के आगे भविष्य के देखना है। ये चंद्र प्रकाश चौधरी के हो खाली घोटवा समय ये लो तकर बाद चरण देख गंगी छापल तखन घूर घूर के जहाँ जहाँ मन हम पैदल और साइकिल से सब प्रखंड सब हमने पंचायत से भी जाकर हम कर बोलिए पंचायत के स्तर पर किस तरह के लेकिन ये एक कार्यकर्ता के हो जिंदाबाद। इस गले नींद नहीं लगती चैन नहीं लगे जब से परदेश गले नींद नहीं लगे पिया चैन नहीं लगे अरे कहीं अले अबे पिया हमके बताए दे बे तेरे बिना मन नहीं लगे
सर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना बस नहीं लगे। जब से परदेस गले नींद नहीं लगती चैन हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना बस नहीं लगे। हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना मन नहीं लगे। रोज दिना चंगा छवा बापा बापा कहे पिया बस नहीं लगे। रोज दिना चंगा छवा बापा बापा कहे पिया नींद नहीं पर हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना बस नहीं लगे। हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना मन नहीं लगे। रोजी रोटी करे खातिर यहाँ ले परदेस रनिया ले परदेस नहीं काम बरन कैसे रखबा घर दूरा कैसे चलबा। अरे नहीं काम बरन कैसे पेशबा बाल बच्चा कैसे रखबा। जब से परदेस गेले नींद नहीं लगती चैन नहीं लगे। जब से परदेस गेले नींद नहीं लगती चैन नहीं लगे। हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना बस नहीं लगे। हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना मन नहीं लगे। झटे से मोया बेरनी नहीं कांद बेरनी नहीं सोचबे। झटे के मोय घरिया बे नहीं कांद बेरनी नहीं सोचबे। ठीके से रहबे चंगा छवा ठीके से रखबे। हर कही अले बे पिया हमके बताए दे बे कही अले बे पिया हमके बताए दे बे तोर बिना मन नहीं लगे। हमरा वोट ना चाहे जितना भी नौजवान कोहनी जाला बोला गन्ना बजा रहा है ये सुन रहा बताओ कोरे के काकुटी छाप से सुनो कोरे काकुटी छाप से सुनो अब फिर शर्म ये गाना बजा रहा है ओकर कपरवा ऐसे ओकर पिटवा ऐसे कोहनी कभी ना विरोध गाना बजाना धन के बजाओ विसर्जन कर मनाना हो अगर एक भी स्त्री का पान के बजे में पीछू घोर तो लाठी डंडे से बात तो फिर ये सब गाना कहा भाई कोई अगर कमाल कर छाती होकर कपाल अगर ढोड़ी बताओ इतना इतना बेशरम समाज की अपनी स्थापना कर रहा है। खुद के जागा लोगन जगावा और जगावा समाज के। ई लड़ाई माटी के है और अधिकार के। बहकावे लहजार मिली है नेता के चमचा गो। समैया रहते जागा नाता बादे पछतई बागो। समैया रहते जागाना।